Dear students, assalamu alaikum. Yamin Khan Jamal is here. I am professor of assistant professor of zoology, government Ustad Bukhari degree college. Dear students, the last topic of the chapter number 1 of the zoology is for first year is concept of biological control and integrated disease management. What is understood by biological control? Biological control, beta, biological methods हाँ, diseases से control करो, बला by using medicines, by using pesticides, by using insecticides, यो biological control ना बिल्कुल बनाए, यो biological control ना है, जेकर ऐसा फसलन के बीमारी वगैरह थी लगन असा उनके जेकर कंट्रोल था क्यों जेकर असा उनके जो आए सो स्प्रे था क्यों जेके आम तरह से जो तो जेके स्प्रे वगैरह कब आए उन माइकरन के जेके इंसेक्ट्स के जेको सब खत्म कर दें इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्ट के खत्म वाला पेस्टिसाइड्स एंड या इस आप की गंद गाह जेको बुटन में थी दवाई जेका हर चलो एडिन जो का मेडिसिन से दवान के सर हुआ है हर्बिसाइड्स द हर्बिसाइड जो इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड जो यूज आई उन सा सा के बेहतर जो का सो फसल मिलन छा इहो बायोलॉजिकल कंट्रोल नो बेटा इहो बायोलॉजिकल कंट्रोल ना है बायोलॉजिकल कंट्रोल या अलग जे कैन से का एनिमल के बीमारी थी लेती सपोज असा के मलेरिया जे का ऐसा जी बीमारी मलेरिया वरो जो का सो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जो वरो प्रॉब्लम आ यो बायोलॉजिकल जो का सो प्रॉब्लम है इनके जेकर असा मेडिसिन्स था खाऊं एंटीमरल ड्रग्स वगैरह जे कैसे मौजूद आने वे था खाऊं थी वजह मेरा पाप असा जी जगह समझ पूरी आ पर यो एंटी मलेरियल ड्रग्स जो यूज यो बायोलॉजिकल कंट्रोल ना है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल चाहे डिजीज के किए मैनेज करो बेटा और खबर त मलेरिया जे का ऐसा दैट इज अ डिजीज ऑफ अ फेटल डिजीज ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे लाइक पाकिस्तान इंडिया एंड अदर दीज एरियाज पर के की ऐसा कंट्रोल करना सी उन के कंट्रोल को होता है खबर तो ने जो को होस्ट है या असा उन जो वेक्टर चों जो तो वेक्टर एड़ो होस्ट इन है वेक्टर में को होस्ट हों है जे को काम किस्म की का बीमारी का एनिमल टू एनिमल ट्रांसफर करे या मैन टू मैन करे तो उन के असा चवंदा सी यो है वेक्टर माना वेक्टर इज द होस्ट वेक्टर इज द एनिमल दैट होस्ट ट्रांसमिट्स ट्रांसफर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ द डिजीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल आर मैन टू मैन इन मलेरिया की बीमारी जो को वेक्टर है वो है मॉस्किटो रूप थी चुको है मॉस्किटो या मच्छर जो को होता वो कम है ट्रांसफर या बीमारी वेक्टर या तने वेक्टर के खत्म कर पॉसिबल है ना सब हाँ असा इन के जो पास खत्म कंदी इन असा छो तो अवा खबर हो खे मच्छर जो हों पा अंडा पानी में ींदा सपोज असके बाहर जो ड्रेनेज सिस्टम आ नाली वगैरह जो उन्होंने जो सो अंडा ींदा घर के अंदर जो सो को पानी वाणी है घर में जो सो हेठ मत घर जो फर्श जो सो सही ना हर वक्त उतने जो सो हेठ मत पानी पानी जो सो जमो तो रहे आसपास तलाव जो मौजूद हूं उन तलावन ते नालियन वगैरह ते घर के आसपास जो है इवन घर के अंदर जो पानी पानी हों सदाई उन अंडा ींदा अंडन में जो सो बचा फुटा हाँ मच्छर जो हों वेक्टर इन खत्म करण अस मलेरिया के खत्म कर सकूँ बगैर दवा के जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है अस मच्छर के किए खत्म कंदी मच्छर के खत्म करण के लिए कंदी तो अस नाल वगैरह घर के अंदर जो मौजूद पानी घटोता फर्श के सीधो करण बाल्टी वगैरह के जो उनमें पानी रखो ना है जो मच्छर जैसे अंडा न दई सकन घर जो फर्श वर्श जो सीधो हो नाल वगैरह में केरोसिन ऑयल जो इस्तेमाल कबो हर मानू पे घर के सामू डेली बेसिस से जर थोड़ा बटे ड्रॉप्स केरोसिन ऑयल केरोसिन ऑयल माना गैसलेट उन बटे फुड़ा जो सो हर को घर के अगर अड़े तरीके से थोड़ा थोड़ा गैसलेट जो हों खबर है ऑयली जी भी शूं हूं उए सरफेस ऑफ द वाटर से फिलो कर माना जो ऑयल या जो असलेट चौसी वो पानी के सरफेस से रहो छो तो लाइट वेटेड हों सरफेस से रहो सरफेस से अंडा जो मच्छर ींदा तो उन अंडन मजा बच्चा फुटी न सकता तलाव वगैरह जो उन्हें तो असलेट न ींदी
शहरन का या गोठन का बाहर एक तलाब तला हूं उन्होंने की खोटसाई के का सा लाइफ जिंदगी मौजूद है घासलेट जंदा से तो वो खत्म थिंदा उन तलाब में घासलेट न भी तो पूछा कबो उते वरी के का स्मॉल फिशेस जे कंदे नेड़ी मछु हुंदी जे के असा सपोज कुछ मछु नंडा नंडा मछु टोटल साइज एडल्ट्स जी वा हुंदी है वो असा मछु नंडी जे के हुंदी जे के असा एक्वेरियम में रखना हुआ एक्वेरियम समझ ना बेटा एक्वेरियम जे को हुंदा घर के अंदर जे को आसो एक्वेरियम हुंदा वो नंडो बड़ी शीशे की बाक्स हूँ या नंडी मछी रखना ऑर्नामेंटल के लिए या मतलब तो घर के अंदर सजावट सूंह वगैरह के लिए अखियों में नंढी नंढी मछू नंढा नसल उछू तलावन में उ मछू सरफेस से पासो तरंदी वन सरफेस तो वटर से जो सरफेस से तरंदी वन मच्छर जिनल अंडा हूं वो अंडा जो खाई वाड़े तरीके से तलावन में नंढी स्मॉल फिशेस जहाँ नसल पालबा उनका अंडा खाई वन बो पानी वगैरह है नाली कसन वगैरह जो खराब खराब पानी हों जैमें लाइफ न होंगी है उतने जो पास मच्छर अंडा दींदा तो उतो पास कैरोसिन हलण से मच्छर जहाँ नसल जन इन तरीके से घटबा अस बायोलॉजिकल कंट्रोल से बगैर का जो पास मेडिसिन दवा खाने के अस ये कर अच्छा बो प्लांट्स में डिज लगन हाँ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल ना क्यों हाँ असो कहसी उनमें होंद है ब तरीका होंगे क्रॉप रोटेशन एंड मेथड हूँ क्रॉप रोटेशन एंड इंटरप्लांटिंग क्रॉप रोटेशन मेथड भी होंगे बो है इंटरप्लांटिंग इंटरप्लांटिंग ये मेथड हूँ ब क्रॉप रोटेशन इंटरप्लांटिंग इन से अस डिजीज बगैर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो इस्तेमाल कर क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड टू चेंज द क्रॉप प्लांट्स ईयर बाय ईयर सालों साल अस क्रॉप रोटेशन वो मेथड है हर साल उन एग्रीकल्चरल लैंड है उन्हें चेंज प्लांट कल्टिवेट कर इट इज अ मेथड टू कल्टिवेट चेंज क्रॉप प्लांट्स एट अ पर्टिकुलर लैंड जमीन से न तो अस स्पेशली पाकिस्तान में यो हों जैसे जमीन में फसल जो पोखींदा एक साल बूह पोखींदा बे साल से बूह पोखींदा टे साल से बूह पोखींदा मैं सागो सागो फसल पोखींदा इंदा हाँ जर एक साल चेंज था पोखियो सपोज एक साल अस मिर्च लगाया बे यानी सीजन में अस मिर्चन का हटी कर वांगण टमाटा भिंडी वरी कणक वरी सारू वरी कमंद ये साल ब साल अस फसल चेंज कंदा रहूं इनके क्रॉप रोटेशन चवंदी इन क्रॉप रोटेशन में फायदो बेटा इन क्रॉप रोटेशन में फायदो यो थी है याद रहे कंब बूटे के जो खाण के लिए उन्होंने नुकसान दियण जहाँ अलग अलग जीत होंगे सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम असोड़ी जगह से वण यानी काटन जो फसल यानी वण था पोखी उन एरिया से उन्हें वणन के नुकसान दियण वा उन्होंने डिपेंड करा उन खाण वा जो जीत होंगे वो स्पेशल है हाँ पे साल उत पोची न सकन या देर से पौतन थोड़े जो तादाद में पौतन उत आया थोड़ा ही आया पहले साल उत अंडा दिनों उत से बच्चा हूँ बे साल से जैसे पोखींदी तो उन एरिया में ऑलरेडी उनको नसल मौजूद है बे साल से पोखींदे ही असो है फसल को जल्दी नुकसान दींदा तेसी तुम असो इंसेक्टिसाइड जैसे स्प्रे ना क्यों तो असो अस फसल ही नो अस चेंज प्लांट पोखियासी तो हाँ अस सपोज उत पासो बसर जो फसल था क्यों भिंडियों जो पासो था पोखियों तो उत वणन वा जैसे माइग्रेट कर हलिया वा तो ये थल लसन में सादन लसन में चूं तो अस चेंज चेंज कर अस उन्होंने चवण तो नख पेपर दियण उन्होंने असो धोखो था दूँ अस इंतजार में हुआ अस उन्होंने धोखो दिनस इंटरप्लांटिंग इंटरप्लांटिंग इज ऑल्सो अ डिजीज मैनेजमेंट मेथड और इंटरप्लांट अ प्रोसेस टू कल्टिवेट मिक्सड क्रॉप प्लांट्स इन द एग्रीकल्चर लैंड कं भी एग्रीकल्चर लैंड मिक्सड प्लांट जो सो पोखण माना उन एरिया से उतो भिंडियों उत टमाटा उत वण उत मुख्तलिफ जो भी क्रॉप प्लांट्स मिक्सड मिक्सड पोखजन यहाँ इंटरप्लांटिंग फायदो इंटरप्लांटिंग जो फायदो यो थी
मुख्तलिफ फसलन जा मुख्तलिफ जीत हुंदा आहिनि खाइण वारा उते छा थींदो त मुख़्तलिफ़ जॾहिं एरिया में जेको आहे मिक्स प्लांट जेके असां कल्टीवेट कया हुआ त इहे हिक ॿिए जा हूंदा आहिनि नेचर हिकिड़ा हिक ॿिए जे लाइ हिकिड़ा नेचुरल एनिमीज़ पैदा कया आहिनि जीअं सपोज उहो आहे त हुनजो नेचुरल एनिमी जेको आहे उहो नांग बि आहे उनजो नेचुरल एनिमी जेका आहे छा ॿिली बि आहे ईअं ॿिया जेके जानवर आहिनि उन्हनि जे लाइ नेचुरल एनिमी जेको आहे सो जेकॾहिं सपोज डियर आहे हरण आहे ऐं ॿिया जेके आहिनि से जानवर आहिनि लायन उन्हनि जो नेचुरल एनिमी आहे ॿिया जेके बर्ड्स आहिनि उन्हनि जे लाइ सपोज ईगल उन्हनि जो नेचुरल एनिमी आहे ईअं नंढे नंढे नंढनि जीतनि जे लाइ बि हिकिड़ा नेचुरल एनिमी थींदा आहिनि जेके हिक ॿिए जा जेके दुश्मन हूंदा आहिनि इंटरप्लांटिंग सां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जीत हूंदा उहे हिक ॿिए जा अंडा वग़ैरह ईअं हिक ॿिए सां विढ़ी करे पंहिंजा नसल जेको आहे सो बैलेंस करे छॾींदा त इंटरप्लांटिंग ऐं क्रॉप रोटेशन प्लांट लाइ डिज़ीज़ मैनेजमेंट जो जेको आहे बग़ैर मेडिसिन ऐं केमिकल इस्तेमालु करण जे या जीअं ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾिनुमि त मलेरिया खे कंट्रोल करण जे लाइ मच्छरनि जा नसल घटाइणा हूंदा कहिड़े तरीक़े सां तलावनि में स्माल फिशिज़ जेको आहे सो विझनि ऐं थारनि सां जीअं हुनजा अंडा खाई वञनि नालियुनि वग़ैरह में जेको आहे कैरोसिन आयल जो इस्तेमालु त जीअं मच्छरनि जो जेको आहे नसल घटिजे त इहा मलेरिया वारी बीमारी बग़ैर का मेडिसिन जे दवाउनि जे खाइण जे उनखे असां कंट्रोल करे था सघूं छो त इहे एंटी मलेरियल या जेके प्लांट्स असां जेके स्प्रे कंदा आहियूं उहे इंतिहाई नुक़सानकार केमिकल्स हूंदा आहिनि उहे जज़्ब थींदा आहिनि ॿूटनि में सब्ज़ियुनि में फ्रूट्स में पाण उहे खाईंदासीं त अहिड़े तरीक़े सां असांखे नुक़सानु पवंदो चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़ैरु असां पूरो थियो वरी इनशाला जेको आहे सो चैप्टर नंबर टू में मिलंदासीं अस्सलामु अलैकुम।